हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत कोई स्टील का वेल्डिंग को सीखना चाहते हैं, बहुत कोई के माइंड में होता है कि टिग वेल्डिंग कैसे करें, तो इसके बारे में बताने वाले बहुत कम होते हैं। ये रियलिटी है कि कोई सिखाना नहीं चाहता है, लेकिन आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आपको ज़रूर आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप टिग वेल्डिंग यानी स्टील वेल्डिंग जो होता है आर्गन वेल्डिंग, उसको आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने वेल्डिंग के प्लेस पे हूँ, जहाँ पे हमारी वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमारा ये बेस है, ये बेस पे हमारा वेल्डिंग होता है। और यहाँ पे हमारा मशीन है, जिस जो आर्गन मशीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये सिलेंडर है, तो जिस जो हमारा आर्गन गैस का सिलेंडर होता है। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। तो इसके बारे में आज हमको को पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कैसे वेल्डिंग करना है, आपको पूरी ट्रिक बताएंगे। अगर आप न्यू हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और अगर आप इनका सेटिंग मशीन का ये जो सेटअप है, अगर आप नहीं देखे हैं तो सेटअप कैसे सेटअप किया जाता है, गैस सेटिंग करना, होल्डर सेटिंग करना, इसमें क्या क्या होता है, सारा आपको एक वीडियो मेरा बना हुआ है सेपरेट, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो पहले इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग को वेल्डिंग कैसे करना है। अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए हेल्प होगा। तो चलिए मैं आपको दो तरीके से आपको कोशिश करूँगा सिखाने की कि आपको कैसे वेल्डिंग करना है। अगर आप पाइप में वेल्डिंग करते हैं, स्टील पाइप में, तो आपको थोड़ी अलग टेक्निक है। और अगर आप मेटल में वेल्डिंग करते हैं, मान लीजिए स्टेनलेस स्टील का पत्ती हो, रॉड हो, या मोटे मोटे जो प्लेट होते हैं, उसमें थोड़ी टेक्निक अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का, वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा वेल्डिंग सेटअप तैयार है। देख सकते हैं हमारा ये मशीन चालू है, जो यहाँ से वोल्टेज कम बेसी होगा और पूरा यहाँ पे हमारा सेटअप तैयार है। तो अभी आपको हम वीडियो पूरा वेल्डिंग करके दिखाएंगे कि आपको कैसे वेल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो मेटल है जिसको हम वेल्डिंग करेंगे, और यहाँ पे कुछ पाइप है जो कि 24 गेज का है, बहुत हल्का पाइप है, इसको वेल्डिंग करेंगे। तो दोनों का आपको हम आपको दिखाएंगे कि आपको क्या फ़र्क रखना है और कैसे वेल्डिंग करना है, अगर आप न्यू है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग चलाते हैं, तो आपको थोड़ा सा जल्दी आपको हेल्प होगा, जल्दी आप सीख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा टिग वेल्डिंग का होल्डर है और हेलमेट है, तो पहले हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं और थोड़ा सेफ्टी रखें। तो पहले हम लोग मेटल में वेल्डिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें वेल्डिंग कैसे करना है। तो ये जो मेटल है, इसमें वेल्डिंग करने के लिए हमें वोल्टेज को हाई कर लेना है, ज़्यादा लो नहीं रखना है। यानी मुझे 120 पे मैं रख रहा हूँ आसपास, ठीक है, आपको कम नहीं रखना है, वोल्टेज को ज़्यादा रखना है और वेल्डिंग करके देखना है। तो चलिए पहले इसको वेल्डिंग कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा पोजीशन ले लेना है, यानी होल्डर का जो ये आपका जो पूरा तार है, इसको सही से फ्री रखना है ताकि आपको हाथ आराम से चले। और बिल्कुल पोजीशन से लेना है, जैसे मैं यहाँ पे टेबल पे कर रहा हूँ, तो टेबल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब हाथ को बैलेंस में बना के रखें ताकि आपका हाथ बिल्कुल भी ना हिले। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ठेक लगाएं, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ हाथ का ठेक यहाँ पे लेना है, तो आपको ठेक लगा लेना है कहीं पे भी, उसके बाद स्टार्टिंग करना है ताकि आपको Thank you.
यहाँ पे आपने देखा है, ये हमारा वेल्डिंग हो गया, ये बहुत हीट है अभी। तो ये जो वेल्डिंग हुआ है तो इसको हमको डीपली गलाना है, यानी ये जो हमारा होल्डर है इसको जल्दी से आगे नहीं बढ़ाना है, इसको समय दे करके मारना है। जहाँ पे एक ही जगह पे थोड़ा ज़्यादा देर तक समय दिया जाए, यानी होल्डर को इस तरह से मूव करना है धीरे धीरे, तो आपका मेटल का वेल्डिंग परफेक्ट होगा। अब हम लोग पाइप की बात करते हैं कि पाइप में कैसे वेल्डिंग करना है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। तो इसको वेल्डिंग करने के लिए हमको वोल्टेज सबसे पहले लो कर लेना है, यानी आप अगर न्यू हैं तो आप 40 से 50 पे रखें, ऐसे तो 60 70 80 पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको न्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 के आसपास रखें आप वोल्टेज। उसके बाद इसको जो वेल्डिंग करेंगे, इसको पहले हम लोग टेकिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तभी ये वेल्डिंग होगा। तो ये टेकिंग करने के बाद जो है, इसमें मेन प्रॉब्लम होती है, ये बहुत हल्का है, इसमें वेल्डिंग करने के बाद तुरंत ये गल जाएगा, यानी बड़ा होल हो जाएगा, तो इसको बहुत कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास चिप वायर जो रिफिल है, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है इस वेल्डिंग में, यानी जहाँ पे भी गैप हो तुरंत हमको इसको ज़्यादा देना है, इसको देने से ये रिफिल होता जाएगा, तभी ये वेल्डिंग होगा पाइप में। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा किस तरह से ये वेल्डिंग हुआ है। ये मेटल का वेल्डिंग और ये वेल्डिंग में आपको थोड़ा डिफरेंट जरूर देखने को लग रहा होगा, क्योंकि ये जो वेल्डिंग है इसमें गलने का बहुत हिसाब नहीं है, इसमें होल नहीं होता है, इसमें आराम से आप वोल्टेज के साथ मार सकते हैं, लेकिन इसमें तुरंत ही ये एकदम गल जाएगा पाइप, इसमें बहुत कम होता है। तो इसी कारण से इसको थोड़ा बहुत बैलेंस के साथ और हिसाब से इसको वेल्डिंग करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो फिर बना दूंगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।